ओके, तो अब हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ द स्टमक। सबसे पहले स्टमक बेड कौन कौन फॉर्म करता है, जो पोस्टीरियर रिलेशंस होते हैं स्टमक के वो स्टमक बेड फॉर्म करते हैं। तो ये सात स्ट्रक्चर्स हैं जो स्टमक बेड फॉर्म करते हैं। सबसे पहला हो गया एक डायफ्राम, लेफ्ट ट्रक्स ऑफ द डायफ्राम। फिर पेंक्रियास, ओके पेंक्रियास एक्सेप्ट टेल, पेंक्रियास हो गया। दूसरा तीसरा है स्प्लेनिक आर्टरी, यहाँ पे होगी स्प्लेनिक आर्टरी। फिर लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड, स्प्लीन। फिर ये ट्रांसवर्स मीजोकोलन, और लास्ट में ये सात हो गए कि ये सात स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं स्टमक बेड। फिर पार्ट्स ऑफ द स्टमक तो पता ही होंगे, बहुत इजी है। ये होता है फंडस, ये होता है कार्डियक पार्ट, ये होता है बॉडी, और ये होता है पाइलोरस ऑफ द स्टमक। अब स्टमक की ब्लड सप्लाई मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये स्टमक है, चार आर्टरीज हमको याद रख लेनी है। लेफ्ट साइड वो लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइड और राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइड। फिर है वैसे ही लेफ्ट गैस्ट्रिक और राइट गैस्ट्रिक, ठीक है। लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइड, राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइड, लेफ्ट गैस्ट्रिक और राइट गैस्ट्रिक। इसमें जो मेन आर्टरी है वो है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो मेजोरिटी ऑफ द स्टमक को सप्लाई करती है। अब ये आर्टरीज कौन सी आर्टरीज की ब्रांच है वो देखते हैं। जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है वो डायरेक्ट ब्रांच है सीलिएक ट्रंक की, कि लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ब्रांच ऑफ सीलिएक ट्रंक। लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइड आर्टरी ब्रांच ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी। ऐसे ही राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ गैस्ट्रो डियोडिनल आर्टरी। और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी ब्रांच ऑफ कॉमन हेपेटिक आर्टरी। कॉमन हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच है गैस्ट्रो डियोडिनल, और वही और एक ब्रांच चलती है राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक। तो ये एक इमेज है स्टमक की ब्लड सप्लाई। तो जो पहली आर्टरी थी मेन लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, विच इज़ अ ब्रांच ऑफ सीलिएक ट्रंक, ये हो गई पहली। फिर वैसे ही राइट गैस्ट्रिक आर्टरी वो किसकी ब्रांच थी, गैस्ट्रो डियोडिनल, सॉरी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी वो ब्रांच थी कॉमन हिपेटिक आर्टरी। ये कॉमन हिपेटिक आर्टरी, कॉमन हिपेटिक आर्टरी ब्रांच दिए राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। सीलिएक ट्रंक लेफ्ट गैस्ट्रिक, कॉमन हिपेटिक राइट गैस्ट्रिक। अब ये कॉमन हिपेटिक और एक ब्रांच देती है वो है गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी। ओके, कॉमन हिपेटिक आर्टरी गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी, वो फिर ब्रांच देती है राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। अब लास्ट रह गए लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी, विच इज ब्रांच ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी। तो ये स्प्लेनिक आर्टरी, यहाँ ब्रांच दिए लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। अब स्प्लेनिक आर्टरी ऐसी शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज भी देती है, छोटी छोटी ब्रांचेस। ओके, तो लास्ट में एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सीलिएक ट्रंक, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी कॉमन हिपेटिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी ब्रांच ऑफ गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी विच इज ब्रांच ऑफ कॉमन हिपेटिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी ब्रांच ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ब्रांच ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी। अब उसके बाद वीनस ड्रेनेज ऑफ द स्टमक। तो वीनस ड्रेनेज जो वेन्स होती है वो एकोमनी करती है आर्टरीज को। तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी वैसे लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, राइट गैस्ट्रिक वेन, अब ये दोनों लेफ्ट गैस्ट्रिक और राइट गैस्ट्रिक ड्रेन करती है इन द पोर्टल वेन, ये दे ड्रेन इनटू पोर्टल वेन। याद रखना लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी का दूसरा नाम है कोरोनरी वेन, कि ये दोनों आर्टरीज ड्रेन करती है पोर्टल वेन में। फिर जो राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी वो ड्रेन करती है इन द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। अब बाकी दो बची लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक और शॉर्ट गैस्ट्रिक, ये स्प्लेनिक आर्टरी की नज़दीक होती है इसलिए ड्रेन करते हैं इनटू स्प्लेनिक वेन। और अगर पता होगा तो पोर्टल वेन इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑफ सुपीरियर मेसेंट्रिक एंड स्प्लेनिक वेन। तो ये दो भी अल्टीमेटली ड्रेन करेंगी पोर्टल वेन में। तो जो इन शॉर्ट फाइनल वीनस ड्रेनेज ऑफ स्टमक होगा वो होगा इनटू द पोर्टल वेन, ठीक है। लेफ्ट गैस्ट्रिक राइट गैस्ट्रिक इन द पोर्टल वेन, डायरेक्ट पोर्टल वेन में, राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक सुपीरियर मेसेंट्रिक, और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक और शॉर्ट गैस्ट्रिक दे आर क्लोज टू स्प्लेनिक आर्टरी, स्प्लेनिक वेन, तो ड्रेन इनटू स्प्लेनिक वेन। इसके बाद लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज में हमने स्टमक को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, राइट अपर टू थर्ड, राइट लोअर वन थर्ड, लेफ्ट अपर वन थर्ड एंड लेफ्ट लोअर टू थर्ड। अब जो राइट अपर टू थर्ड है वो ड्रेन करेगा इनटू द लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है तो इसलिए याद रह जाएगा लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स। वैसे ही राइट लोअर वन थर्ड वो ड्रेन करेगा इनटू राइट गैस्ट्रिक नोड्स एंड हेपेटिक नोड्स, यहाँ पे राइट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है इसलिए ड्रेन करेगा इनटू राइट गैस्ट्रिक नोड्स। अब लेफ्ट अपर वन थर्ड वो ड्रेन करेगा इनटू यहाँ पे स्प्लीन और पैंक्रियास होता है तो इनटू पैंक्रियाटिको स्प्लेनिक लिम्फ नोड्स, पेंक्रियाटिको स्प्लेनिक लिम्फ नोड्स। वैसे ही लेफ्ट लोअर टू थर्ड वो ड्रेन करेगा इनटू यहाँ पे कौन सी आर्टरी होती है, राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक नोड्स और पाइलोरिक लिम्फ नोड्स, और ये सारे अल्टीमेटली ड्रेन होता है इनटू द
सीलियक नोड्स। तो एक इमेज है लिम्फेटिक ड्रेनेज का, ये पार्ट था लेफ्ट अपर 1/3 इंटू पेंक्रियाटिको स्प्लीनिक नोड्स, फिर लेफ्ट लोअर 2/3 इंटू राइट गैस्ट्रोएपिग्लॉइक नोड्स, ऐसे ही राइट अपर 2/3 इंटू लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स, ऐसे ही राइट लोअर 1/3 इंटू राइट गैस्ट्रिक नोड्स, अल्टीमेटली ड्रेन करेंगे इंटू सीलियक नोड्स। अब आता है मेन स्टमक के नर्व सप्लाई में। तो स्टमक का नर्व सप्लाई, उसमें सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक सप्लाई दोनों होते हैं। तो सिंपैथेटिक सप्लाई, इट इज़ बाय ग्रेटर स्प्लैंकनिक नर्व सेगमेंट T5 to T10। ओके, सेगमेंट T5 to T10, ग्रेटर स्प्लैंकनिक नर्व फॉर्म्स हेपेटिक प्लेक्सेस और फिर सप्लाई करता है स्टमक को। देखना T5 to T10। अब ये सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं, दे ऑल्सो कैरी पेन फाइबर्स, और ये मेनली वेजोमोटर फंक्शन होता है, मतलब जो आर्टरीज और जो वेन्स होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन करवाता है, दे आर वेजोमोटर फंक्शंस। सिंपैथेटिक सप्लाई इनहिबिट्स गैस्ट्रिक मस्कुलेचर एक्सेप्ट पाइलोरिक पार्ट, मतलब सिंपैथेटिक सप्लाई पूरे गैस्ट्रिक मसल का रिलैक्सेशन करवाएगा एक्सेप्ट पाइलोरिक पार्ट, पाइलोरिक पार्ट का स्टिमुलेशन करवाएगा सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई। ओके, सिंपैथेटिक कॉज रिलैक्सेशन ऑफ गैस्ट्रिक मस्कुलेचर एक्सेप्ट पाइलोरिक पार्ट। उसका पैरासिंपैथेटिक सप्लाई बाय वेगस, दे कैरी सीक्रेटर मोटर फाइबर्स, मतलब जो एसिड सिक्रेशन होगा या फिर गैस्ट्रिक मोटिलिटी करवानी होगी उसमें पैरासिंपैथेटिक का रोल होगा। पैरासिंपैथेटिक स्टिमुलेट गैस्ट्रिक मस्कुलेचर एक्सेप्ट पाइलोरिक पार्ट, मतलब पाइलोरिक पार्ट का वो रिलैक्सेशन करवाता है। ओके, सिंपैथेटिक होता है वो पाइलोरिक का स्टिमुलेशन करवाता है, और पैरासिंपैथेटिक वो पाइलोरिक का रिलैक्सेशन करवाता है। अब जो पैरासिंपैथेटिक, इट इज़ बाय वेगस, तो वेगस के भी दो ट्रंक होता है, एक एंटीरियर वेगल ट्रंक और एक पोस्टीरियर वेगल ट्रंक। अब जो एंटीरियर वेगल ट्रंक होता है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय या डिराइव्ड फ्रॉम लेफ्ट वेगस, तो दो वेगस होगी, राइट वेगस और लेफ्ट वेगस। तो जो एंटीरियर ट्रंक होता है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लेफ्ट वेगस, और जो पोस्टीरियर ट्रंक होता है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम राइट वेगस। तो जो एंटीरियर वेगल ट्रंक होता है वो कौन सी ब्रांच देता है, एक हिपेटिक ब्रांच और एक गैस्ट्रिक ब्रांच या नर्व ऑफ लटार्जेट। नर्व ऑफ लटार्जेट, इट रन्स अलोंग द लेसर कर्वेचर एंड ऑल्सो सप्लाइज पाइलोरस। इन नर्व ऑफ लटार्जेट रन्स अलोंग द लेसर कर्वेचर एंड सप्लाइज एंड ऑल्सो सप्लाइज पाइलोरस। अब हिपेटिक ब्रांच की भी दो ब्रांच होती है, असेंडिंग ब्रांच और डिसेंडिंग ब्रांच। असेंडिंग ब्रांच सप्लाई करती है लीवर और एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम, मतलब गॉल ब्लैडर को। तो अगर हमने वेगोटोमी करते समय ये ब्रांच को कट कर दिया, तो इट विल लीड टू गॉल ब्लैडर डिसफंक्शन। गॉल ब्लैडर डिसफंक्शन होगा, उसकी वजह से बाइल होगा, वो निकल नहीं पाएगा गॉल ब्लैडर से, तो इंक्रीज चांस ऑफ गॉल स्टोन्स, तो गॉल स्टोन्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब जो डिसेंडिंग ब्रांच होती है वो भी सप्लाई करती है पाइलोरिक पार्ट। ये हो गई एंटीरियर वेगल ट्रंक की, रही एंटीरियर वेगल ट्रंक, इसमें है हिपेटिक ब्रांच है और एक गैस्ट्रिक ब्रांच है। अब हिपेटिक ब्रांच की भी असेंडिंग और डिसेंडिंग, जो डिसेंडिंग है वो सप्लाई करती है पाइलोरस को, असेंडिंग ये वाली होती है, ये जाती है सप्लाई करने लीवर और गॉल ब्लैडर को। अगर ये कट हो गई तो इट विल लीड टू बाइल स्टेसिस एंड इंक्रीज चांस ऑफ गॉल स्टोन फॉर्मेशन। फिर ये जो ब्रांच है गैस्ट्रिक ब्रांच, ये नर्व ऑफ लटार्जेट है, विच रन्स अलोंग द लेसर कर्वेचर एंड ऑल्सो सप्लाइज पाइलोरस। अब ये एंटीरियर वेगस से एक सीलियक ब्रांच भी होती है, विच फॉर्म्स सीलियक गैंग्लियन। अब आते हैं पोस्टीरियर वेगल ट्रंक, तो पोस्टीरियर वेगल ट्रंक डिराइव्ड फ्रॉम राइट वेगस, इसकी कौन सी ब्रांच होगी, एक सीलियक ब्रांच, गैस्ट्रिक ब्रांच और नर्व ऑफ लटार्जेट, सॉरी क्रिमिनल नर्व ऑफ ग्रासी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्व है क्रिमिनल नर्व ऑफ ग्रासी। वे क्रिमिनल नर्व ऑफ ग्रासी किसको सप्लाई करती है, कौन से पार्ट को, फंडस को, फंडस ऑफ द स्टमक को सप्लाई करती है। अब ये देखी थी गैस्ट्रिक ब्रांच या नर्व ऑफ लटार्जेट, जो एंटीरियर वेगल ट्रंक में से थी वो एंटीरियर गैस्ट्रिक ब्रांच या एंटीरियर नर्व ऑफ लटार्जेट, और यहाँ पे वो है पोस्टीरियर नर्व ऑफ लटार्जेट, ये भी रन अलोंग द लेसर कर्वेचर एंड सप्लाई पाइलोरस। ये सीलियक ब्रांच फॉर्म्स सीलियक गैंग्लियन। अब वेगोटोमी देखते हैं, तो वेगोटोमी मतलब वेगस नर्व को कट करना, तो कितने टाइप की होती है, ट्रंकल वेगोटोमी और सिलेक्टिव वेगोटोमी। ट्रंकल वेगोटोमी मतलब हम पूरा वेगस नर्व का ट्रंक ही कट कर देते हैं, मतलब बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेगस आर रिसेक्टेड। फिर सिलेक्टिव वेगोटोमी, इसमें हम सिर्फ गैस्ट्रिक ब्रांचेस रिमूव करते हैं, कि सिलेक्टिव मतलब सिर्फ गैस्ट्रिक ब्रांचेस रिमूव करते हैं, हिपेटिक और सीलियक ब्रांचेस कट नहीं करते, हिपेटिक
ब्रांच कट नहीं करते, मतलब जो गॉलस्टोन फॉर्मेशन हो रहा था लीवर को भी सप्लाई करता था वो अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन इन दोनों में प्रॉब्लम क्या है कि हम इसमें गैस्ट्रिक ब्रांच तो रिमूव हो ही रही थी, तो इसकी वजह से पाइलोरस का जो सप्लाई हो रहा था वो भी अफेक्ट हो रहा था, इसकी वजह से गैस्ट्रिक एम्प्टिंग भी अफेक्ट हो रही थी। पाइलोरस का जो नर्व सप्लाई था वो भी कट हो रहा था, इसकी वजह से गैस्ट्रिक एम्प्टिंग अफेक्ट हो रही थी। तो इसकी वजह से अब हम करते हैं हाई सिलेक्टिव वेगोटोमी, जिसमें हम सिर्फ क्रिमिनल नर्व ऑफ ग्रेसी को कट करते हैं, सिर्फ क्रिमिनल नर्व ऑफ ग्रेसी को कट करते हैं, जो किसको सप्लाई कर रहा था, फंडस को, क्योंकि जो सिर्फ फंडस को सप्लाई कर रहा था, पाइलोरस तक ये सप्लाई कर ही नहीं रहा था, तो इसकी वजह से गैस्ट्रिक एम्प्टिंग अफेक्ट नहीं होगी। अब ये रहा पोस्टीरियर वेगल ट्रंक, यहाँ पे एक सीलिएक ब्रांच, ये गैस्ट्रिक ब्रांच या नर्व ऑफ लेटरजेट, और ये नर्व ऑफ ग्रासी जो फंडस को सप्लाई कर रही है। उसको क्रिमिनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम वेगोटोमी करते तब ये मोस्ट कॉमनली इट इज़ लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग वेगोटोमी, तो चांसेस रहते हैं कि रिकरेंट अल्सर्स फॉर्म होंगे, क्योंकि ये एसिड सिक्रेशन भी करवाता है, याद है सिक्रेटोमोटर फाइबर्स होते हैं पैरासिम्पथेटिक वेगस नर्व, तो इसलिए ये एसिड सिक्रेशन भी करते हैं। अगर वेगोटोमी में ये अगर पीछे रह गई तो ये रिकरेंट अल्सर फॉर्म कर सकती है, इसलिए नाम है क्रिमिनल नर्व ऑफ ग्रासी। तो ये था पूरा एनाटॉमी ऑफ द स्टमक।